हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनुपम कुमार और सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है अनुपम भारत। दोस्तों, कैसा कि आज है डे 9 और 9 दिन बीत चुके हैं, एक्सरसाइज जारी है, डाइटिंग जारी है, सब कुछ चल रहा है और इस बीच में अब मैं मतलब कार्डियो वगैरह तो सारा कुछ कर ही रहा हूँ। आज मैं आप लोग को एक नया एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, इवन बताने वाला नहीं हूँ, खुद पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, वो है वी शेप एक्सरसाइज। वी शेप, जैसा मैंने बोला था कि बाकी कार्डियो वगैरह करने से वेट लॉस होता है, फैट लॉस के लिए भी आप प्लैंक वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन ये जो साइड होता है सबसे टफ होता है, सबसे टफ पार्ट होता है इस चीज को कम करना। अब उसके लिए भी मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ मिला, और कुछ मिला तो मुझे लगा कि हाँ ये मैं इसे थोड़ा मैं प्रैक्टिस करके देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा वर्क कर रहा है, तो आज से मैं इसे अपने एक्सरसाइज में ऐड करने वाला हूँ। अब आप सोचेंगे ये कितने तरीके का एक्सरसाइज और कितना ऐड करने वाला है, तो दोस्तों बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए कि जो वर्कआउट होती है, जैसे कार्डियो मैंने तो 25 मिनट का कार्डियो हो गया, अगर आप कार्डियो में रनिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप स्किपिंग कर रहे हो तो स्किपिंग हो गया 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद जंपिंग नीज, जंपिंग जैक्स वगैरह करके ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट में कार्डियो कंप्लीट हो जाता है। कार्डियो कंप्लीट करने के बाद अगर हम जब वर्कआउट करने के रूम में आते हैं तो वहाँ पुशअप्स करते हैं, क्रंच करते हैं, रिवर्स क्रंच करते हैं, और अगर एक आध एक्सरसाइज हो गया जो भी है, व्हाटएवर, या प्लैंक कर लो आप, ठीक है। तो अगर ये सारे एक्सरसाइज को आप मिला के भी देखो और सारे रिपीटेशन भी मिला लो तो एक घंटा से ज्यादा का वर्कआउट नहीं होता है। लेकिन अगर ये वीडियो जो देख रहे हैं, अब चूंकि मैं ओवरवेट हूँ, मेरा मोटापा बढ़ा हुआ है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने मोटापे को कम करना, अपने वजन को कम करना, तो उसके लिए मैं कर क्या रहा हूँ कि सुबह में एक घंटे उतना एक्सरसाइज करने का तो आदमी बिल्कुल भी एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके बाद आगे एक्सरसाइज कर नहीं सकता, तो मैं शाम के समय हाफ एन आवर शाम के समय भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, शाम के समय भी वर्कआउट कर रहा हूँ। और शाम के समय क्या कर रहा हूँ, शाम के समय में इवनिंग में मैं अगर 1 से 1.5 बजे के बीच में अगर आप लंच कर ले रहे हो तो बीच में 3 से 4 घंटा का गैप लेकर के आप इवनिंग के समय कर सकते हो, प्लैंक कर सकते हो, जो हो गया प्लैंक हो गया, बाइसाइकिल हो गया, क्रंचेस हो गया, और बर्ड्स एंड डॉग हो गया, लेग रेसेस हो गया, इस तरह की जो भी एक्सरसाइजेस हैं जो प्लैंक से रिलेटेड है वो आप शाम के समय कर सकते हो। उसमें बहुत से बहुत मैक्सिमम टाइम लगता है तो 15 मिनट, और उसमें आप इस तरह की एक्सरसाइज अगर आप ऐड करते जाओगे तो बहुत जल्दी रिकवर होने में, बहुत जल्दी अब वजन तो कम हो ही रहा है कार्डियो से, फैट वर्कआउट करके आप अपने फैट को भी लॉस कर रहे हो, लेकिन अगर उसको शेप देना है तो एप्स का वर्कआउट हो गया और ये साइड का, ये सब वर्कआउट हो गया, ये सब के लिए आपको इन सभी चीजों के लिए शाम के समय अगर आप हाफ एन आवर भी टाइम करोगे तो बहुत है। जैसे अभी जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ वो 4 मिनट लगभग ऑलमोस्ट 8 मिनट का एक्सरसाइज है, जिसे कहते हैं हिट एप्स एक्सरसाइज। अब वो हिट एप्स क्या होता है, तो अब इसमें होता क्या है कि आपको लगातार एक्सरसाइज करना है, जैसे 4 मिनट लगातार आपको रुकना नहीं है, 4 मिनट में 4 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं। पहला एक्सरसाइज होगा 40 सेकंड, ऑलमोस्ट 40-50 सेकंड का, फिर आपको 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, और तुरंत दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, फिर 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर तीसरा एक्सरसाइज, और फिर 20 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद आपको चौथा एक्सरसाइज करना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपके 4 मिनट ऑलमोस्ट ले जाएंगे, और इसकी बस एक रिपीटेशन करनी है, इससे आपका ये काफी इसमें फायदा होगा। दोस्तों ज्यादा देर नहीं करते और चलिए चलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और वो कौन सा एक्सरसाइज है इंप्लीमेंट मैं अपने ऊपर करने वाला हूँ, ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा अच्छा पता और किसे चलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मेरे ही टायर यहाँ निकले हुए हैं। तो इसे कम करने के लिए मैं करने वाला हूँ आज से नया एक्सरसाइज, चलिए बढ़ते अपने वीडियो की ओर। We'll be right back.
फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, जितना इजी देखने में लग रहा था उतना इजी था नहीं, और ट्राई मैं कर रहा था, बहुत प्रॉपर हो नहीं पाया क्योंकि अभी पेट काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन इसी तरह प्रैक्टिस करते करते वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इवन वुमन भी। तो मैं ये कह रहा था कि प्रैक्टिस करते करते ही एक्सरसाइज हो पाएगा, और जैसा कि आपने देखा कि लास्ट एक्सरसाइज तो मेरे से कंप्लीट हो भी नहीं पाया, बिकॉज वो लगातार बस थोड़े थोड़े सेकंड, मतलब सेकंड ब्रेक कर करके ना वो लास्ट आते आते बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है सडन से बॉडी। तो बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, यही आज मैं ऐड कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली क्या है, बेसिकली इसमें पहले आपको करना क्या है कि फर्स्ट में आपको अपने एक्सरसाइज में पहले रशियन ट्विस्ट इसे कहते हैं, इधर से इधर, और उसमें मैं पूरी तरीके से ये पैर को मुड़ा रहना चाहिए, पैर बेंट होना चाहिए आपका नीज, और पीछे आप ऑलमोस्ट ऐसे एंगल बनाए हुए, थोड़ा सा पीछे झुक करके बॉडी को पीछे रखना है ऐसे, और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करना है, तो एंगल बना के रखना है और नी बेंट रहेगा इसमें। और सेकेंड एक्सरसाइज में आपको अपने खसक के ये छूना है, ये छूने की कोशिश करना है, ये जितना आप छू सको, और लगभग 40 सेकेंड में ऑलमोस्ट आप 20 से 25 बार कर सकते हो, तो आप उसे काउंट भी कर सकते हो 40 सेकेंड में आप कितना कर रहे हो ऑलमोस्ट। जैसे मैं कहूँ तो अगर साइड में करना हो तो 30 बार मिनिमम स्टार्टिंग में, और इधर भी 30 बार समथिंग, और फिर उसके बाद फिर आपको जो वेट का भी जो थर्ड एक्सरसाइज था, तो उसमें पैर को ऊपर रखना था, क्योंकि अभी बहुत भारी है मेरा शरीर, तो मैं ज़्यादा उसे होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो मेरा पैर थोड़ा मुड़ जा रहा था, बेंट हो जा रहा था, उसको सीधा रखना है, और सीधा रख करके कोशिश करना है कि सीधा रखने का, और लेफ्ट हैंड से अपने राइट पैर को छूना है, और राइट हैंड से अपने लेफ्ट पैर को छूना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज था वही बाईसाइकिल, लास्ट में बाईसाइकिल क्रंच करना था, तो ऑब्वियसली तीन एक्सरसाइज कंप्लीट करते करते मैं थक जा रहा हूँ, और चौथे वाले में 10 होते होते 10 बाईसाइकिल क्रंच करते करते कंप्लीट हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है शाम के समय, इवनिंग के समय, मॉर्निंग के समय, जिस समय भी टाइम मिले आपको। जिन लोग का कम है उन लोग को ज्यादा फायदा है, जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो लोग भी चाहें तो कर सकते हैं, इससे उनका ये बॉडी वी शेप में, यहाँ जो शेप को ढूंढते हैं ये शेप होता है, ये मिलने में काफी उन्हें आसानी होगी, और हम लोग के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मतलब स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि जितना निकला हुआ है। तो आज से मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, और इसे जब अच्छे से होने लगेगा तो वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए, कीप वॉचिंग, और वही अपना कॉमन डायलॉग, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो जबरदस्त रहो। सो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, होप यू लाइक द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। We'll be right back.